वेलकम गाइस, वेलकम टू द माय अनदर ब्लॉग। दोस्तों, मेरे इस नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज किसी काम से ट्रोनिका सिटी आया था। ट्रोनिका सिटी का इंडस्ट्रियल एरिया है, गाजियाबाद लोनी में पड़ता है। मुझे लगा मैं यहाँ आया हूँ तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का थोड़ा सा फॉलोअप लेता चलूँ। इस वक्त मैं ट्रोनिका सिटी के गेट नंबर 2 के बाहर, पतंजलि मॉल है उसके बाहर हूँ मैं, और उसके सामने ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का व्यू है। और आप देख ही सकते हैं इस जगह का काम का अपडेट कि काफ़ी, मतलब कि यहाँ पे काम कंप्लीट हो चुका है। दोनों साइड का रास्ते बन चुके हैं, ये जो सर्विस लेन छोड़ा गया है और इसके ऊपर जो फीलर पे आपका दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है। एक्सप्रेसवे के दोनों साइड सर्विस लेन के बीच जो डिवाइडर है वो डिवाइडर कंप्लीट कर लिया गया है। उसके अंदर भी मिट्टी जो पूरी तरह फिलअप कर लिया गया है। बताया था कि इसमें जो है आगे पेड़ वगैरह लगाए जाएंगे। रोड सेफ्टी का भी ध्यान रखा गया है। रोड के इस तरफ आप देख सकते हैं कि जो मेरे जो बाएं साइड में है ड्रेनेज का वर्क इस साइड कंप्लीट कर लिया गया है, यानी कि यहाँ पर ड्रेनेज का वर्क कंप्लीट हो चुका है। इस साइड में छोटे मोटे काम जो पेंडिंग है वो हो रहे हैं साइड में, उसके बाद इस साइड में थोड़ा सा रोड बनाने का काम किया जाएगा। यहाँ पर टोनी का मेन मार्केट एरिया है, यानी मेन एरिया है। इसको जो है गाजियाबाद सहारनपुर रोड भी बोलते हैं इस रास्ते को। मेन रोड पे दो पब्लिक स्कूल मिल जाते हैं बड़े से, देख ही सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट पे अभी काम स्टार्ट है और यहाँ पे एक यू टर्न छोड़ा गया है। इस हाईवे के मेन मेन पॉइंट्स पे जो है यू टर्न के लिए रास्ता छोड़ा हुआ है, बाकी जगह रास्ते को कवर कर दिया गया है सेफ्टी के व्यू से। तो हमारे हिंदुस्तान में लोग कहीं से भी गाड़ी लेके आते और चले जाते हैं, इसलिए एक्सीडेंट ना हो उस सेफ्टी पर्पज़ से इस हाईवे के सर्विस लेन को दोनों साइड से ये कवर कर दिया गया है। और उसके अंदर जो है दिख रहे हैं मिट्टी फिलअप किया जा रहा है ताकि इसके अंदर पेड़ पौधे लगा के खूबसूरत कर दिया जाएगा। बाकी ये कम्प्लीट होने के बाद इसे पेंट वगैरह कर दिया जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में अब पिलर का काम यहाँ तक कम्प्लीट कर लिया गया है। मैं लोनी के रंजीत सिंह गेट के पास आ चुका हूँ। ये यहाँ का रंजीत सिंह गेट कहलाता है, जो यहाँ से जो आपकी जो रेलवे स्टेशन है यहाँ पे दोस्तों नुसरताबाद खड़खड़ी रेलवे स्टेशन है, जो यहाँ से अप्रोक्स 2.5 किलोमीटर दूर पड़ता है। वो रास्ता वहाँ को चली जाती है। रंजीत सिंह के गेट के बाहर आप देख सकते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में जो पिलर है उसके ऊपर टॉप का जो काम है वो कम्प्लीट कर लिया गया है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, जो लोग ये हाईवे के बनने के बाद देहरादून से दिल्ली की साइड या गाजियाबाद की साइड आ रहे हैं तो उनके लिए ये जो है एग्जिट पॉइंट बन रहा है। गाजियाबाद के इस लोनी से यहाँ पे आके वो एग्जिट कर जाएंगे और इधर से सीधे वो मोहन नगर आपका जो है बिहार आदरा की तरफ वो जा सकेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था तो उसमें इस पिलर का काम सिर्फ स्टार्ट था, पिलर का काम ही हो रहा था और इस पॉइंट तक पिलर काम हुआ भी नहीं था। पूजा चौक है लोनी का और यहाँ पे जो देख सकते हैं जो एग्जिट पॉइंट का जो काम है वो यहाँ पे पिलर के साथ साथ जो ढलाई का जो वर्क है इस पे पॉइंट तक बना के कंप्लीट कर लिया गया है। आप देख सकते हैं पूजा चौक का हनुमान मंदिर है। जैसे ही हम पूजा चौक से आगे बढ़ रहे हैं आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन के वर्क की वजह से बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी यहाँ पे उड़ता रहता है। देख ही सकते हैं कि इस पॉइंट पे भी काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। यहाँ पे भी दोनों साइड से सर्विस लेन को कवर कर दिया गया है और ड्रेनेज का वर्क यहाँ पे कंप्लीट कर लिया गया है और यहाँ पे भी एक यू टर्न छोड़ा गया है साइड के सर्विस लेन की तरफ जाने के लिए। अभी फ़िलहाल एक ही तरफ का रास्ता खोला गया है सर्विस लेन का अप्स एंड डाउन के लिए। दूसरे साइड का सर्विस लेन बनते ही फिर उसे भी खोल दिया जाएगा। लोनी का जीवन गेट एरिया कहलाता है और इसके आगे पड़ता है खुशहाल पार्क। अब हम खुशहाल पार्क की तरफ जा रहे हैं। सब चलते हुए हम देहरादून एक्सप्रेसवे पे आ चुके हैं और आप देख ही सकते हैं
एक्सप्रेसवे का वर्क यहाँ पे भी चल रहा है। टोल एंट्री के पास का एरिया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिवाइडर जो है वो लगा दिया गया है, पीले कलर का ग्रिल, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे लोग अक्षरधाम के तरफ से आ रहे हैं, उनके लिए पहला ये टोल पड़ेगा, आप देख ही सकते हैं यहाँ पे। और ये टोल का काम काफ़ी कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं सिग्नल और CCTV कैमरे वगैरह इंस्टॉल कर लिए गए हैं। चौराहे पर इस पॉइंट पर भी अभी काफ़ी सारा वर्क यहाँ पे होना बाकी है और रात दिन काम यहाँ पे भी चल रहा है और देख सकते हैं अभी बहुत से काम यहाँ पे पेंडिंग है, जैसे सर्विस लेन हो गया, रास्ते बनाने हो गए, ट्रैफिक लाइट हो गई, इसके खंभे वगैरह जो इंस्टॉल करने हैं उन सब का भी काम अभी यहाँ पे थोड़ा पेंडिंग है, उसे भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया जाएगा बहुत जल्द। ये आप खूबसूरत सा सनसेट देख सकते हैं, इस पॉइंट पे कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है सनसेट का। ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए टोल गेट से पहले का पॉइंट है, पॉइंट पे भी काफ़ी सारा वर्क हो रहा है, आप देख ही सकते हैं तक जो है लाइट वगैरह लगा दिया गया है। आप इस रास्ते से खजूरी की तरफ जा रहे हैं तो ये जो हाईवे का निर्माण हो रहा है उसकी वजह से थोड़ा सा जाम आपको यहाँ पे इस जगह पे मिल सकता है। यहाँ पे जो है आपका यू टर्न पॉइंट छोड़ा गया है, आप देख सकते हैं सीधे का अंडरपास है। दोस्तों ये हाईवे अपने बिल्कुल फाइनल दौर पे आ चुका है और ये भारत माला प्रोजेक्ट के द्वारा ही इस हाईवे का निर्माण हो रहा है। हाईवे के किनारे जो सर्विस लेने वहाँ पे जो छोटा मोटा वर्क है उसे किया जा रहा है, आप देख सकते हैं अंदर अंडरग्राउंड पाइप जो इंस्टॉल करने के बाद उसे के ऊपर मिट्टी फिलअप किया जा रहा है और उसके कंप्लीट होने के बाद उसे पीचिंग करके फिर रास्ता बना दिया जाएगा, जैसे पूरा जो बन चुका रास्ता वो देख ही सकते हैं वैसे फिर से बनाया जाएगा। स्ट्रोनिका सिटी लोनी से हम ये सारा वर्क देखते देखते आ रहे हैं और अब हम देखते हुए दिल्ली का जो एरिया है उसके अंदर जो है अब हम इंटर कर चुके हैं। खजूरी चौक है, अब हम खजूरी आ चुके हैं और आप यहां से इस हाईवे का वर्क आप देख ही सकते हैं, फिर फ्लाईओवर और मेट्रो और हाईवे का काम जो एक साथ चल रहा है। फ्लाईओवर तो बना हुआ है लेकिन मेट्रो और ये जो हाईवे का काम हो रहा है और इसलिए हाईवे को इतना ऊपर पे रखा गया है, आप देख ही सकते हैं काफ़ी हाइट्स पे रखा गया है यहाँ पे। देखो ट्रैफिक जाम की वजह से इस पॉइंट पे आते आते थोड़ी सी शाम हो चुकी है, देख सकते हैं फ्लाईओवर के जो ऊपर है छोटे मोटे काम तो इस पे हो रहे हैं। अब मैं चलते हुए शास्त्री पार्क आ चुका हूँ और ये शास्त्री पार्क का एरिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जो अभी है वर्क काफ़ी सारा हो रहा है। पे एंट्री पॉइंट बनाया जा रहा है इस एक्सप्रेसवे पे आने के लिए, आप देख ही सकते हैं थ्रू आप हाईवे पे इंटर कर सकते हैं। एक छोटा सा अपडेट था इस हाईवे के रिगार्डिंग, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।